ये हैं जी दाऊद इब्राहिम। यार इसका रेडियो बड़ा तंग करता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी उसमें मैंने बताया था। करें जरूर जरूर सब्सक्राइब। ये असवंत के फैन है बहुत बड़े, थोड़े थोड़े मेरे भी शायद हों क्योंकि मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं। हैं इनको हवा देते हैं, हवा। हाँ मुझे हवा मिल जाती। चलो बिस्मिल्लाह। ओके जी हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। बाकी जो मुझे अभी नीचे मिले थे दाऊद भाई हैं, ये मेरे भाई हैं मोहम्मद असफंदियार, असफंदियार ब्लू टिक के नाम से इंस्टाग्राम पे, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं जो मेरे भाई हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करते हैं, तो ये वन ऑफ़ द ऑडियंस हैं और इनका बड़ा प्यार है। और आज मुझे पता चला कि ये मेरी भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो दाऊद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अबे किधर रुक गया बीच रास्ते में? एलिवेटर स्टाफ। बहुत सारे डॉगीज आ रहे हैं आगे, उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे काटने के लिए नहीं आ रहे। ओ भाई गला आ गया जी, ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बुरी बात है, सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, घटिया हरकत है ये, इसलिए मैं वेप पी रहा हूँ, सिगरेट नहीं पी रहा, लेकिन वेप भी नहीं पीना चाहिए। इतना गंदा खड्डा। वेप जो है ना, वेप का भी मसला ये है कि कहते तो हैं कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू सिगरेट्स, कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप वेप पे शिफ्ट हो जाएं, इट माइट बी लेस हार्मफुल, लेकिन अभी तक ये है कि इतना ज़रूर कहते हैं कि स्टिल अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो वो बेहतर है वेप पीने से, वेप के फिर भी कुछ ना कुछ हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें निकोटीन इटसेल्फ इज समवट ऑफ ए हार्मफुल सब्सटेंस, जो जहाँ तक साइंस कहती है, इस पर डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली हैं। बाकी ये है कि वेप का एक और सीन ये है कि अगर वो सिगरेट से बेहतर है या नहीं, इस पर भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। अभी वेप्स का इतना टाइम स्पेंड नहीं हुआ यूज़ होते हुए, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म क्या होंगे, वो खुदा न खासा सिगरेट से बुरे भी हो सकते हैं या फिर उसे बेहतर भी हो सकते हैं। सिगरेट तंबाकू है और ये जो है ये वेपर्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द केमिकल रिएक्शन इनसाइड योर बॉडी दैट मैटर्स, कि वो किसका ज़्यादा बदतर है या किसका कम हार्मफुल है। अच्छा ये जो सारी इंफॉर्मेशन या फिर सारे जो एनालिसिस वगैरह मैं करता हूँ, ये बहुत सारे सिर्फ मेरे ओपिनियन बेस्ड होते हैं और इनमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स नहीं होती, और अगर कोई चीज़ एनालिसिस के बजाय, मेरे एक पर्सनल एनालिसिस या ओपिनियन के बजाय कोई इंफॉर्मेशन अगर होती है जो मैंने उधर इधर से ली हो, वो भी बहुत सारी इंटरनेट से ली हुई इंफॉर्मेशन होती है, इसमें वो वाली बात आ जाती है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इन चीज़ों में, और देन अगेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या वो सनद की एक ज़रूरत है या नहीं, वो अपने आप में एक अलहदा आर्ग्यूमेंट है। पॉइंट इज़ के ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओपन टू चैलेंजेस, ऑफ कोर्स न्यूटन लॉ होता तो चलो ठीक है, एक अलहदा बात है, वो लॉ है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, वो लॉ ऑफ फिज़िक्स है, उसको आप चैलेंज बेशक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना होगा कि उसके बरक्स क्या चीज़ है। तो लेकिन जो इंफॉर्मेशन है या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया में भी डाला कल्चर बहुत है, तो डाला कल्चर ही फॉर्चुनर कल्चर बहुत है, तो इस पे बहुत से लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो अपने ओपिनियंस भी पेश कर सकते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें ओपिनियनेटेड जो होती हैं, दे आर ओपन टू चैलेंजेस एंड दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर इंफॉर्मेशन या एनालिसिस। फॉर्चुनर यार ये क्या चक्कर है अभी, ये मुझे नहीं पता कि ये DHA साइड पे है या ये बाकी लाहौर में भी है या फिर ये बाकी पाकिस्तान में भी है। भाई फॉर्चुनर और हाइलक्स जो हैं ये इतने ज़्यादा नज़र आते हैं, इतने ज़्यादा कि इतनी आम आपको करोला और सिविक नहीं नज़र आएंगी, जो कि वन ऑफ़ द बेस्ट सेलिंग कार्स हैं, और पाकिस्तान की तो मेरा ख्याल है टॉप सेलिंग कार सुजुकी ऑल्टो है अभी फ़िलहाल, पहले मैं रान हुआ करती थी, तो इवन वो भी आपको नहीं नज़र आएगी इतनी ज़्यादा जितने ये नज़र आते हैं इधर DHA में, या फिर वही है कि आप के जहन में जो चीज़ बैठी होती है आप वही देखते हो, बैठी ना वे के मैं ये बात बार बार। अच्छा ये इससे ना एक चीज़ जहन में आ जाती है, बीच में बात काट रहा हूँ, वो ये है कि बिस्मिल्लाह, वो ये है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो आपका माइंड जो है वो इस तरह काम करता है कि
इसका इसको इस लॉ को कुछ कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो इस तरह काम करता है कि आप एक बिलीफ सिस्टम जब डेवलप कर लेते हो ना अपने अंदर, या अपना ओपिनियन या कोई भी चीज़, तो आपका जो दिमाग है वो उसको वैलिडेट करने के लिए ऑटोमेटिकली हर चीज़ वेरीफाई करना शुरू हो जाता है। जो उसको वैलिडेट नहीं करेगी वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के जी आप बिलीव करते हैं कि DHA की सड़कें साफ़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कहते हो कि जी हाँ DHA की सड़कें साफ़ हैं, मेरा तो ये ओपिनियन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, तो वो दिमाग जो है ना वो बार बार आपको वो रजिस्टर करेगा वो वाली चीज़ें जहाँ जहाँ आपको साफ़ सड़क नज़र आएगी, जहाँ कहीं गंदी नज़र आएगी वो रजिस्टर नहीं करेगा। तो समझे आपको 10 दफ़ा साफ़ नज़र आई है, 5 दफ़ा गंदी नज़र आई है, आप याद करेंगे कि जी मुझे तो 10 दफ़ा साफ़ नज़र आई थी, एक आध दफ़ा गंदी नज़र आई थी, या शायद कुछ लोगों में एक आध दफ़ा भी नहीं। तो वो वैलिडेट करने के लिए आपके ओपिनियन को ना बार बार उस वही चीज़ रजिस्टर करेगा जो उस ओपिनियन पे बैठती होगी। तो उसी तरह से क्या पता मेरा ये ओपिनियन बना हुआ है कि मुझे डाले और फॉर्चुनर बहुत नज़र आते हैं, तो वो ओपिनियन बार बार वैलिडेट होने के लिए मैं रजिस्टर ही करता हूँ बार बार कि वो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को आप डेली लाइफ में भी वैसे अपनी देखते होंगे, कभी गौर कीजिएगा, जो आपके सारे ओपिनियंस हैं उनके बरअक्स आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को सोचेंगे। लेकिन अनकॉन्शियसली डेली लाइफ में आपका ब्रेन वो चीज़ें रजिस्टर करता ही नहीं होगा। अब इसमें कोई भी ओपिनियन हो सकता है, वो ओपिनियन क्या है वो टॉपिक टू टॉपिक बहुत डिफर करता है। अब देखें जी एक और डाला नज़र आ गया मुझे, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसके आगे पीछे बहुत सी और भी गाड़ियाँ मुझे नज़र आई हैं जो कि मैंने रजिस्टर नहीं की, और अब मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूँ तो यस मुझे 5-6 गाड़ियों में से एक डाला नज़र आया है, तो वो 5-6 गाड़ियाँ टोटली डिफरेंट है। तो वाह मेरे सामने एग्जांपल आ गई, लेकिन एक और डाला नज़र आ गया, बट देन अगेन वही बात है, पहले से मेरा ख्याल है ज़्यादा तो डेफिनेटली हुए हैं, इनके सेल्स के फिगर्स भी बताते हैं, नॉट इवन इन पाकिस्तान, ये इंडिया में भी सेम कल्चर है, फॉर्चुनर एंड हाइलक्स वगैरह इन सब का पावर डायनामिक्स के लिहाज से एक शो ऑफ पावर हैं ये गाड़ियाँ। मैं इशारे पर रुका और मेरे साइड पर डाला खड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ भाई। लेकिन मज़े की बात है अगर आपको मैं दिखाता हूँ, आगे कोई भी डाला नहीं है, इतनी सारी गाड़ी और उनमें से कोई भी डाला नहीं है, इवन पीछे भी डाले के पीछे भी सोनाटा है। सो लाइक वही बात, ओह फॉर्चुनर मेरे माइंड ने फौरन पकड़ी है, इसके अलावा कोई और गाड़ी अगर इधर से गुजरती तो वो मेरा दिमाग ना पकड़ता। तो वही बात, एक और फॉर्चुनर, इतनी सारी ट्रैफिक के अंदर एक फॉर्चुनर, लेकिन मैंने देखा फॉर्चुनर है, ओह नो मेरी बात ठीक थी, ओह माय गॉड ये तो वाकई रेयर है भाई। अच्छा जी ऑफिस आ गई हूँ मैं, गाड़ी लगाने की आज जगह नहीं मिल रही, वो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे पीछे एक बंदा खड़ा है, वो ना पार्किंग के आगे परपेंडिकुलर टू द पार्किंग पार्क करके बस बैठा हुआ है, और इस तरह के बहुत से लोग इधर आके पार्क करते रहते हैं। अब मैं जाता मैं उसे हॉर्न देता, फिर वो रिवर्स होता, फिर मैं अंदर पार्किंग में लगाता, मैंने उसके बजाय साथ वाली पार्किंग में लगा ली। लेकिन पॉइंट इज़ कि यार इस तरह कौन गाड़ी खड़ी करता है यार, जब खाली प्लॉट्स भी हैं आप उस साइड पे जाके खड़ी कर लो, आपने पार्किंग के सामने लगा के खड़ी करनी है ताकि और भी आते जाते लोगों को ना मसला हो, और उसके साथ ही खाली पार्किंग जहाँ मैंने लगाई आप उधर पार्क कर लो। अबे उसके साथ क्या, उसके पीछे सारी पार्किंग खाली है जो वो ब्लॉक करके बैठा हुआ है, उधर खड़ी कर लो गाड़ी यार। सॉरी गुस्सा नहीं करना और बिला वजह की तनकीद नहीं करनी, बस ये एक छोटा सा गिला है। जी मैं ऑफिस पहुँचा हूँ तो ये टेबल आ गए, ये अभी रिसीव किए हैं, रिसीव करते हुए वीडियो बनाना मैं भूल गया था। नो प्रॉब्लम सर, ये बेसिकली सेटअप है भैया की अपना पॉडकास्ट वगैरह के लिए, ये अभी हमजा पॉडकास्ट शुरू करेंगे, अपने रिव्यूज जनता तक पहुंचाएंगे, और माशाल्लाह इज वेरी गुड एट कन्वेइंग हिज व्यूज। और नहीं 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 नहीं, ये देखिए इस पे आपने अक्सर देखा होगा मेक लगा होता है लोगों का, मेक नहीं देखा होगा, मेक शेक लगाया होगा। यस यस यस, तो ये वो चीज है बेसिकली। ओके ये देखिए हमजा का स्टूडियो, मैं होप कम्प्लीट कर रहा हूं, मुझे सारी चीजें नहीं पता। ओके ओके, अच्छा ये मैं भी सोच रहा था क्यों इस तरह का डिजाइन है। ये देखिए हमजा टेक्निकल बंदे हैं, वाओ वाओ। आज मैं घर पे इतनी मजदूरी करके आया हूं सर, आप सोच क्या किया घर पे, बताओ 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 सर। प्लम्बरी वो सारी वीडियो में मैंने बताई आपको, ये भाई ये हमजा असगर प्लम्बर भी हैं, ये डेवलपर नहीं डिजाइनर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और उसके बाद को फाउंडर भी हैं,
मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये बंदा। सर पंगे ले रहा हूं बस। वाओ, हरफन मौला, ही इज हरफन मौला मौला। और जो मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ वेबसाइट डिजाइनर हूं। सिर्फ सिर्फ यूआई यूएक्स नहीं, वो काम भी सिर्फ तो नहीं होता वैसे सर। ओ हाँ, नहीं हाँ, स्पेशलाइज्ड। वो ढूंढने के लिए गोरे पाकिस्तान इंडिया घूमते रहते। ये शख्स जॉनी सिंस को चैलेंज करता है। हाँ, वो टीचर भी है, प्लम्बर भी है, हर चीज है। और ये चैलेंज कर रहा है उस बंदे को। यार अच्छा सॉरी। ओह सॉरी, आई एम अ जोकिंग। ये काट देने ना पार्ट। हाँ जी, ये काट दूँ। अच्छा ये सर, इस तरह से माइक आएगा भूल गया। अच्छा, अब माइक लेने हैं, वो कहाँ से लें? उसके तो पैसे ही नहीं बचे। पहले सोचना चाहिए था ना, डंडे मंगवा ली ऊपर माइक के लिए। पैसे ही नहीं। ये यहाँ पे माइक लगना है, यहाँ पे लगना है। माइक लगा लेंगे, ठीक है, इस पे माइक लग जाता है। वाओ, अभी मैं लगाऊंगा ये। वाओ, ये है बॉल हेड। इधर आ जाइए। मतलब माइक तो जरूरी है सर, क्वालिटी माइक चाहिए होगा। दिस इज शहीर, आज उनकी तबीयत खराब है। यस सर, ये बर्थडे की आज है। ये है बाकी। हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, कार की भी आ रही है, क्या बात है। दोनों को ही विश किया मैंने यार, सॉरी सॉरी सही। मुझे अभी याद आया, नाउ आई एम 30 नाउ। ओह डैम, यू आर 30 ऑफिशियली। ओ, मैं भी आने लगा हूँ तुम्हारे साथ सितंबर में। सर आई विल ज्वाइन यू। आप 31 के होंगे सितंबर में। नहीं, हम 29 का, अभी 30 होना है। ये देखें, सगीर हमारे सबके लिए चाय लाए हैं। ये तो दो कप हैं। ये हमारे वाइटल टीम मेंबर हैं। कुछ नहीं है बेशक, ये जब भी हम थके हुए आते हैं ऑफिस और भाई जब पूछते हैं कि क्या लेंगे, चाय पानी कुछ भी, तो मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। चले जी, चाय पीने चलते हैं। फ्रंट कैमरा कैसे करते हैं इसमें? तो मुझे फ्रंट इसमें वो बंद कर दिया होगा, दो मिनट क्यों कर लेते हैं, इसका फ्रंट वैसे भी ख़राब है। ये है जी हमारा अपना वर्क स्टेशन। ये जो आज सुबह मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं एडिट करने लगा हूँ, और ये हमारा कैमरा पड़ा हुआ है। अब बाकी देखते हैं जी। तो जी नाजरीन, इसके बाद थोड़ा सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और अपने सेटअप को हलाल करने की कोशिश की। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।